नमस्कार, मैं ज्योति निक्डो फिर आज आप लोग के सामने में आए। आप लोग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक अद्भुत उद्भिद के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। वीडियो में जाने से पहले आप लोग अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वंडरफुल नेचर में, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा दोस्तों, ये जो उद्भिद है इसका नाम लोकल लैंग्वेज में टोटोला बोलते हैं। ये एक औषधीय गुण से पूर्ण उद्भिद है। ऐसे उद्भिद हमारे नेचर में पड़े हुए हैं जो हम देखते हैं, ये देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इसके अलौकिक गुण और इसके चकाने वाले बातें आपको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको सब इस पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो बड़ा सा पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये पेड़ का नाम है टोटोला। इस टोटोला उद्भिद के बारे में सबको जानकारी नहीं है। ये एकलौता ऐसा उद्भिद है जो हमारे जगत में है जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। ये बहुत अद्भुत है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये फूल वही टोटोला प्लांट का फूल है। देखिए अभी पूरा खिल के गिर पड़ी हुई है। इसके फूल हम सब्जी और तरकारी और इसके औषधि के गुण है तो हम इसको औषधि के रूप में भी ले सकते हैं। ये उद्भिद एक ताजुब करने वाला उद्भिद है। जो आप लोग देख रहे हैं ये उद्भिद, ये दिनों में कभी नहीं खिलते हैं और इसका अनूठा गुण है रात में खिलते हैं और रात में गिर जाते हैं। अगर आप देख सकते हैं जो आप ये इसका फूल गिरे पड़े हुए है, ये नीचे पड़ी हुई है, ये रात में गिरी हुई है। मैं अभी सुबह में आया हूँ ये इसको देखने के लिए, इसके जानकारी देने के लिए। ये हमारे नेचर में बहुत कम पड़ी हुई है। हम इस पौधे को संरक्षण करना चाहिए। अगर देखिए ये इसका जो फूल है अभी गिरे पड़ी हुई है। हम इस फूल को, गिरे पड़े फूल को हम औषधि के रूप में और तरकारी के रूप में भी ले सकते हैं। ये फूल वही पौधे टोटोला का फूल है जो आप देख रहे होंगे। ये बहुत चमत्कारी है। इसके आप बहुत सारे रोगों को ठीक हो जाता है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग हर्बल ट्रीटमेंट में भरोसे रखते होते हो तो आप इसको प्रयोग एक बार ज़रूर कीजिए। आपका इसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो आप फूल देख रहे हैं ये वही एकलौता उद्भिद टोटोला का फूल है जो रातों में खिलते हैं, रातों में गिर जाते हैं। इसको दिन में कभी खिला हुआ आप नहीं देख सकते। ऐसे उद्भिद को हम हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। हम इसको संरक्षण भी करना चाहिए और ये औषधीय गुण से पूर्ण है जो आप देख रहे हैं। ये फूल अब हम सब्जी के लिए रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और हमारे ब्लड शुगर जो है इसको इससे कंट्रोल करेगा। डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब्जी के रूप में खाए भी ये दवाई का काम करेगा और बहुत सारे रोगी रोग को ठीक करता है, जैसे मधुमेह, कैंसर, हेडेक, माइग्रेन, जितना भी वो रोग है ये इससे ठीक हो जाता है। इसके जूस और पाउडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना वंडरफुल है, आप लोग इसके बारे में अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए अब ये एक भी इसका बर्ड्स नहीं है, सब खिल के गिर चुकी है। एक रातों में खिलते हैं और रातों में गिर जाते हैं। इसका जो पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन भी रातों में होते हैं। इसके अभी इस टाइम इसका फूल खिलने का टाइम है तो ये लगता है कि इसको दिन की रोशनी और उजाला से फोबिया है तो ये रातों में खिलते हैं, रातों में गिर जाते हैं। प्रकृति ने इस अलौकिक उद्भिद को ऐसे ही बनाया है और ये वाला
उद्भिद ज़्यादा नहीं मिलते हमारे प्रकृति में, और ये जो है हम संरक्षण के लिए रखे हुए हैं। आप देख सकते बहुत बड़े पेड़ है। अच्छा दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देखिए, ज़रूर पसंद किया होगा। अगर इससे मैं जितना भी जानकारी दिया आप लोग को, इससे थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल हुआ। और इसके जो टोटोला बोलते हैं और राजवंशी में इसको फनस भी बोलते हैं, इसके फूल पौधे और इसके छिलके के औषधीय गुण और इसके प्रयोग कैसे करनी है और कौन कौन सी रोग के लिए अच्छे रहेंगे, इसके बारे में आप लोग को बताया। अगर मेरा वीडियो और मेरा चैनल को लाइक पसंद किया तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होते तो, और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।